हेलो, वेलकम टू शशिकांत खांडेलवाल चैनल। ऐसे मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। और एक दिन है ना, मेरा अलार्म 8:45 का था, बट मेरी आँख नहीं खुली और मैं रात भर जागा हुआ था अपने काम को लेकर। थोड़ा सा काम करना था और वो अलार्म बजने में मतलब बजा, बट मैंने इसको है ना डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद में ना मुझे जॉब को मतलब ड्यूटी पे ही पहुंचना है, पंचुअल रहना है सब कुछ। तो मुझे एग्जैक्ट 9:30 o'clock को मेरे को शॉप पे पहुंचना था, बट आई वॉज गेटिंग लेट। तो बोलते हैं ना, जब आप लेट होते हो तो आपका दिमाग ऐसा काम करता है इतना फास्ट कभी सोचा नहीं था। और मैं आई वॉज रेडी फास्ट, मैंने सब कुछ किया, बाथिंग किया, रिफ्रेश हुआ और यूनिफॉर्म रेडी किया, टिफिन रेडी किया, एवरीथिंग रेडी एंड रीच एग्जैक्ट 9:35। आई वॉज लेट ओनली 5 मिनट दैट टाइम। और बोलते हैं ना गाइस, अगर आप कभी ऑब्जर्व कियोगे, आप किसी चीज़ में अगर कहीं जाने के लिए लेट होते रहेंगे तो आपके अंदर एक गड़बड़ाहट महसूस होती है, अरे यार अब लेट पहुँचूंगा तो क्या होगा, अब इधर जाऊँगा तो क्या होगा, फास्ट। और सारे काम जो हमारे मतलब आधे 2 घंटे 3 घंटे वाले काम होते थे, वो 15-20 मिनट में हो जाते हैं। कैसे, मतलब ये एनर्जी आती कहाँ से? कहीं कभी आपने ऐसा सोचने की कोशिश किया? तो जब मैंने सब कुछ कर लिया ना, सब कुछ जॉब पे ही पहुंच गया, फिर वहाँ पे बैठ के देखा, अपने आप को रियलाइजिंग किया कि मैंने करा क्या, आज इतना फास्ट कैसे हुआ? कभी ऑन टाइम पे, मतलब ऑन टाइम पे तो पहुँचता था, और मगर उठने के लिए मैं 1 घंटा पहले ही उठ जाता था, मगर तू आधे घंटे में और सब कुछ रेडी करके इवन, और कैसे पहुँचा? ये मुझे सोचने के लिए ना मतलब ऐसा लगा कि यार हाँ, एनर्जी अपने अंदर ही होती है, मगर हम उसे ना बाहर ढूंढते हैं, कहीं से मुझे पावर मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसकी वजह से सारी हमारी एनर्जी बाहर की दुनिया को सोचने में ख़त्म हो जाती है। कभी एक बार खुद के ऊपर थोड़े से समय के लिए खुद को रियलाइज करना कि आप कैसे काम करते हो, आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आपको कहीं ना कहीं सोचने का अच्छा रास्ता और नज़रिया निकल जाएगा यार, एक बार करके देखना। और तब उस दिन से मुझे पता चला कि आई एम सो फास्ट, मैं बहुत फास्ट हूँ। यस, कभी भी आपको जब भी पीछे आपने देखा होगा, रॉकेट भी क्यों इतना ऊपर जाता है, जब नीचे आग लगती है ना भाई तो वो बहुत आसमान तक छू जाता है। सो गाइस, लगाओ अपने नीचे एक ऐसी आग और दिखा दो कि कुछ हूँ, मैं भी हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच गाइस आपको ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल से पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस बेल आइकन को हिट करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच मेरे से जुड़े रहने के लिए गाइस। आगे और भी वीडियोस लेके आते रहूँगा, आगे ब्लॉग्स भी आएंगे, सबका इन्फॉर्मेशन जो हो सके, जहाँ से हो सके मेरे पास से मैं दूंगा गाइस। सो प्लीज़ कीप इन टच एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिससे उनको भी पता चले कि मोटिवेट रहना जरूरी है लाइफ में। इस आपको एक नजरिया, एक जो आप घरे सिचुएशन से गुजरते होंगे ना, आपको एक लड़ने का एक पॉजिटिव वे मिल जाता है। सो प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।